लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। How good it is to come and bring God's word to you this today. और आज के दिन आपके पास आकर परमेश्वर का वचन लाना ही सच में कितनी भली बात है। It is a wonderful thing to get together and to study God's word. एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना ही सच में बहुत ही अद्भुत है। I trust that you have all been reading the word of God regularly. मैं भरोसा करती हूँ कि आप नियमित रूप में परमेश्वर का वचन पढ़ते जा रहे हैं। God speaks to us through His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। That is why it is so important to read His word all the time. और इसलिए हमेशा उसके वचन को पढ़ते जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। He encourages us. वो हमें प्रोत्साहित करता है। He lifts us up. वो हमें ऊंचा उठाता है। He guides us. वो हमारा मार्गदर्शन करता है। And all these things can be done only if we read the word of God. और ये केवल तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। So today, as we are entering into this new year, we are going to speak about impossibility. और इसलिए जैसे कि हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, हम असंभवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। The word impossibility is not a very pleasant word to talk about at the beginning of a new year. देखिए, नए साल की शुरुआत में ही असंभवता इस शब्द के ऊपर में चर्चा करना अच्छा नहीं है। This indicates a fair amount of negativism. और ये तो मानो बहुत ज्यादा नकारात्मक होने के बारे में दिखाता है। That situation, forget it. Don't even think about it. उस परिस्थिति के बारे में भूल जाइए, उसके बारे में सोचिए भी मत। That is impossible. ये तो असंभव है। It will not work out. और ये काम नहीं करेगी। Let's be practical and rationalize. चलिए बहुत ही व्यवहारिक हो जाते हैं, बिल्कुल हम सटीकता से बातें करते हैं। Let's rationalize the situation. और इस परिस्थिति को हम बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। According to our thinking, these things cannot work out. हमारी सोच के अनुसार ये सारी बातें काम नहीं कर सकती हैं। This is how we feel about situations. परिस्थितियों के बारे में हम ऐसे ही महसूस करते हैं। Sometimes situations are accompanied by gloom and frustration. कई बार ऐसी परिस्थितियां हैं जो निराशा और परेशानियों के साथ में आती हैं। It's like a feeling that you've reached the end of the road. ये ऐसे लगता है कि मानो आप उस सड़क के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं। And you don't know what to do next. और अभी आप नहीं जानते कि आगे क्या करें। That can be a dangerous problem sometimes. और ये कई बार बड़ी खतरनाक बात होती है, बड़ी समस्या हो सकती है। But in the word of God, लेकिन परमेश्वर के वचन we have three incidences, हम यहाँ पर तीन घटनाओं को देखते हैं, which seem impossible, जो कि असंभव दिखाई देती थी। But God says, लेकिन परमेश्वर ने कहा, with me it is possible, मेरे साथ ये संभव है। He says, nothing will be impossible with God. उसने कहा परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। We look at the first instance. आइए पहली घटना को देखते Now, this हैं। is found in the book of Luke, अब ये लूका रचित सुसमाचार में पाई जाती है। लूका अध्याय 1 वर्स 34 टू 37 और वचन 34 से लेकर वचन 37 तक हम इसे देखते हैं। Now, there was a young girl called Miriam. एक जवान लड़की थी जिसका नाम था मरियम। In English translated Mary. और इंग्लिश में उसे मैरी कहते हैं। She lived in Nazareth. वो नासरत में रहती थी। She loved the Lord and she knew the scriptures very well. वो परमेश्वर से प्रेम करती थी और वचनों को बहुत अच्छे से जानती थी। She was a very young girl. वो तो बिल्कुल नौजवान लड़की थी। Some of the commentaries say that she was like 15 years old. और कुछ commentaries इस तरह से कहती हैं कि वो लगभग शायद 15 साल की होगी। And she was engaged to be married to a person called Joseph. और उसकी मंगनी यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ में हो चुकी थी। Joseph was a gentleman.
और यूसुफ एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। And he had a very good reputation. और उसका बहुत अच्छा सम्मान था। And he feared God. वो परमेश्वर का भय मानता था। And so when Mary's friends would ask, "Who are you engaged to?" तो फिर मरियम के जब सहेली उससे पूछती थी कि तुम्हारी मंगनी किससे हुई है? So she would say, "I'm engaged to Joseph." तो वो कहती थी मेरी मंगनी यूसुफ के साथ हुई है। And all her friends would look at her with great admiration. और उसकी सभी सहेली उसकी ओर बड़ी सराहना से देखती थी। This is our thinking. ये हमारी सोच है। But then one day, लेकिन फिर एक दिन, the angel of the Lord, परमेश्वर का स्वर्गदूत, who's Gabriel, जो कि जिब्राइल था, he came and stood before Mary. वो आकर मरियम के सामने खड़े हो जाता है. And he gave her the startling news. और वो उसे बिल्कुल चौंकाने वाली खबर देता है. He told her that God had chosen her. वो उसे बताता है कि परमेश्वर ने उसे चुना है. Among all the women, सभी स्त्रियों में से इसे चुना है. God chose her. परमेश्वर ने इसे चुना है. And he chose her to be the mother of the Son of God. और उसने उसे चुना कि वो परमेश्वर के पुत्र की माँ हो जाए. She was to be responsible. उसे जिम्मेदार होना था. By being pregnant with the Son of God. कि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में धारण करे, गर्भवती हो जाए. Think of Mary. मरियम के बारे में सोचिए. She, her heart must have missed a beat. उसके दिल की जो धड़कन है वो तो बहुत बढ़ गई होगी. There were many things that crossed her mind. उसके मन में बहुत से विचार आए होंगे. But I'm just about to get married. अरे मेरी तो अभी शादी ही होने वाली है. What will my fiance say? मेरा जो मंगेतर है वो क्या कहेगा? What will he think? वो क्या सोचेगा? How can this happen to me? ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? Considering I haven't had a relationship. जबकि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था. What will the neighbors say when they find out? और जब पड़ोसियों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? But you know, Mary, she confronted the challenge. लेकिन जानते हैं मरियम ने इस चुनौती का सामना किया. What would we do if we were facing an impossible situation? अगर हम असंभव परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम क्या करते हैं? We have three choices. हमारे पास तीन चुनाव होते हैं. One, we could face the problem fair and square. एक तो हम बिल्कुल जायज तरीके से, सही तरीके से उन समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं. Secondly, we could pretend that the problem doesn't exist. और दूसरी बात यह है कि हम इस तरह से दिखावा कर सकते हैं कि समस्या अस्तित्व में है ही नहीं. Thirdly, we could turn around and walk away from the challenge. और तीसरी बात यह है कि हम मुड़कर उस चुनौती से दूर चले जा सकते हैं. Why? Because we feel threatened by it. क्यों? क्योंकि हम उससे डरते हैं. But what did Mary do? लेकिन मरियम ने क्या किया? Mary faced the challenge. मरियम ने चुनौती का सामना किया. By submitting herself to the Lord. अपने आप को प्रभु को समर्पित करने के द्वारा. She said, उसने कहा, Let it be done to me according to your word. तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो. Do we have a challenge we need to face? क्या हमें किसी चुनौती का सामना करना Let's है? Face it like Mary. तो आइए हम मरियम के जैसे उसका सामना करें. When we face an impossible situation, जब हम असंभव परिस्थिति का सामना करते हैं, Let us confront the challenge by boldly submitting ourselves to the power of God. तो निश्चय आइए हम उन सारी चुनौतियों का सामना करें बड़े हिम्मत के साथ अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रति समर्पित करते हुए. The second thing we could do, और दूसरी बात जो हम कर सकते हैं, is to appropriate his power. और वो है कि उसकी सामर्थ्य का हम उपयोग करते चले जाएं. The angel Gabriel tells Mary in verse 37, और वचन 37 में जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से कहता है. Can we just read that verse? वचन 37 में जिब्राइल स्वर्गदूत यहाँ पर मरियम से कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. He tells her that the power of the Most High God will overshadow you. वो उससे कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो छाया है, सामर्थ्य है, वो तुझ पर छाया करेगी. Are there anyone among us? क्या हमारे बीच में ऐसा कोई है? Who need to face a challenge today? जिसे आज चुनौती का सामना करना है? Which seems to be impossible? जो कि असंभव दिखाई देती है? Allow the power of God to overshadow you. तो परमेश्वर की सामर्थ को आप अनुमति दे कि वो आपके ऊपर में छाया करे. Allow God who is El Elyon to give you strength. परमेश्वर जो कि El Elyon है उसे आप अनुमति दे कि वो आपको बल देता जाए. You cannot do it on your own. आप इससे अपनी सामर्थ में नहीं कर सकते हैं. But with his power and strength there is victory. लेकिन उसकी सामर्थ्य और उसके बल के द्वारा विजय है. Because with God nothing is impossible. क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं. The word that is used in Greek is aduento.
और यहाँ पर ग्रीक में जो शब्द उपयोग किया गया वो है एडवेंटो, विच मीन्स दैट विच वी आर नॉट एबल टू डू और द इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जिसे हम नहीं कर सकते हैं या जो असंभव है। बट विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। गॉड डज नॉट गिव अस अ स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। बट ऑफ लव एंड ऑफ पावर एंड अ साउंड माइंड। लेकिन उसने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। फियर इज नॉट ऑफ गॉड। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। इट इज ऑफ सैतान। ये शैतान की ओर से। वी ओनली हैव टू फियर गॉड। हमें केवल परमेश्वर का भय मानना है। He is a living God. वो जीवित परमेश्वर है। This does not suggest that you go out and shoot your enemy. ये इसका मतलब ये सुझाव नहीं देता कि आप बाहर जाएं और अपने शत्रुओं को गोली मार दें। And say that you have confronted your challenge. और ये कहें कि हाँ मैंने अपनी समस्याओं का सामना कर लिया है। Definitely not. निश्चय ही नहीं। You overcome with God's love. आप परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जय पाते हैं। The love of Calvary. और ये तो कलवरी का प्रेम। So while we still hated our Lord Jesus. जबकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह से यहाँ पर सच में and stood around him and shouted crucify him crucify him jabki hum yeshu masih se nafrat karte the uske paas mein khade hokar humne kaha ki use cross par chadhao he shed his blood for us usne hamare liye apna lahu bahaya knowing that this was the only way to bridge the gap between him and us aur ye janta tha ki ye to kewal ek hi तरीका है जिससे वो उसके बीच में और हमारे बीच में इस दरार को वो भर दे। So for those of us who are struggling with the impossible, और इसलिए हम लोग जो असंभव परिस्थिति का सामना करते आ रहे हैं, write these words upon our hearts. आप अपने दिल पर इन वचनों को लिख लें। With God, nothing is impossible. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। Now I want to take you back several years. अब मैं आपको कई साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। Several thousands of years. कई हजार साल पहले। To Hebron. वहाँ पर हेब्रोन में। Where the oaks of Mamre stood. और वहाँ पर मामून के वो देवदार खड़े थे। And Abraham, और अब्राहम, our patriarch, जो कि हमारा पूर्वज है, he was sitting at the door of his tent. वो अपने तंबू के द्वार पर खड़ा था। And it was a very hot day. और दिन बहुत ही गर्म था। Now look at Abraham. अब अब्राहम को देखिए। He was a rich landowner. वो तो बहुत ही धनी ऐसा जमीन का मालिक था। He had everything that he wanted. उसके पास जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ था। God told him, whatever land you walk upon, I give that to you. परमेश्वर ने उससे कहा, जिस जमीन के ऊपर तू पैर रखेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। In Genesis 12 we read. उत्पत्ति 12 में हम पढ़ते हैं। That Abraham had amassed a lot of wealth. कि अब्राहम के पास में बहुत सा धन था। He had plenty of servants. उसके पास बहुत से दास दासियां थे। These days you cannot even have one servant. इन दिनों में एक नौकर रखना मुश्किल हो जाता है। And he had a personal army. और यहाँ तक कि उसके पास में उसकी व्यक्तिगत सेना थी। He had 318 young men. उसके पास में 318 जवान लोग थे। Who lived and trained in his house. जो कि उसके घर में रहते थे और उसी के घर में ट्रेन हुए थे। And he actually fed these men 3 meals a day. और इन सभी लोगों को वो दिन में 3 बार भोजन दिया करता था। And though Abraham had all of these things, हालांकि अब्राहम के पास में ये सब कुछ था, there was one thing that he did not have. लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी। He did not have a son. उसको बेटा नहीं था। And you know, as Abraham was thinking of all of these things, आप जानते हैं जैसे कि अब्राहम इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था। Suddenly 3 men came and stood before. अचानक 3 लोग वहाँ पर आकर खड़े हो गए। We are told that these men were angels. हमें बताया जाता है कि ये लोग तो स्वर्गदूत थे। And one of them was the son of man. और उनमें से एक तो मनुष्य का पुत्र था। And dear friends, Abraham was faced with an impossible situation. और प्यारे दोस्तों, जब अब्राहम असंभव परिस्थिति का सामना कर रहा था, just as often as we are, जैसे कि अक्सर हम करते But in the midst of the situation, God appeared to him. लेकिन इस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर उसके सामने प्रकट होता है। So is anyone facing an impossible situation? इसलिए क्या कोई है जो अपने जीवन में असंभव परिस्थिति का सामना कर रहा है? God will appear to you in the midst of the situation. इस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर आपके सामने प्रकट होगा। Let us submit to him. आइए अपने आप को उसे सौंप दें। Secondly, we have to recognize his presence. दूसरी बात, हमें उसकी उपस्थिति को पहचानना होगा। As soon as Abraham looked up, he knew that the Lord was there. और जैसे अब्राहम ने उन्हें देखा तो उसने जान लिया कि प्रभु वहाँ पर है। This wasn't the first time that the Lord visited Abraham. और ये तो पहली बात नहीं थी जब परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आया था। Abraham spent time regularly with the Lord. अब्राहम परमेश्वर के साथ में नियमित समय बिताता था। He recognizes his presence. वो उसकी उपस्थिति को पहचानता था। His cry goes down many thousands of years. और उसकी जो पुकार है कई हजार साल तक
बनी रही. And we still cry out, और आज भी हम पुकारते हैं, Lord, do not pass me by. हे प्रभु, तू मुझे ऐसे छोड़कर मत जा. Is that our cry this today? क्या आज हमारी यही पुकार है? Lord, if you are in this place, do not pass me by. प्रभु, अगर तू इस जगह पर है तो मुझे ऐसे छोड़कर मत जा. Abraham did not doubt that the Lord could do great things for them. अब्राहम ने कभी संदेह नहीं किया कि परमेश्वर उनके लिए महान काम नहीं कर the सकता. The Lord promised Abraham that he shall have a son. परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उसको बेटा होगा. He says, when I come to you the next time, by then you would have a son. और उसने कहा कि जब मैं अगले साल तेरे पास तुझसे मुलाकात करने फिर आऊंगा तब तेरे पास पुत्र होगा. Sarah doubted the Lord. लेकिन सारा ने प्रभु के ऊपर में संदेह किया. There did not seem to be any rational explanation for what the Lord had said. प्रभु ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उनके पास में कोई भी व्यवहारिक विवरण नहीं था. They were both old and well past the age for bearing children. वो तो बूढ़े हो चुके थे और संतान उत्पन्न करने के लिए उनकी उम्र तो बहुत समय पहले ही बीत गई थी. So Sarah actually laughed. तो सारा सच में हंसी. And she failed to recognize the power of the mighty God. और वो सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानने में असफल रही. And God tells her in chapter 18 and verse 14. और अध्याय 18 वचन 14 में परमेश्वर उससे इस तरह से कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Is anything too hard for the Lord? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Now the Hebrew word used here is pala. अब यहाँ पर जो इब्रानी शब्द उपयोग हुआ है वो है पाला. Which means something which is too great, too wonderful, too hard to accomplish. इसका मतलब है ये तो बहुत ही महान बात है और ये तो ऐसी अद्भुत बात है जिसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है. Our God is the God of the impossible. हमारा परमेश्वर असंभवता का परमेश्वर है. He can do for us more than we can actually think. हम जो कुछ भी सोच सकते हैं उससे बढ़कर वो हमारे लिए कर सकता है. Then we see another situation. फिर हम एक और परिस्थिति को देखते हैं. And this is found in the book of Jeremiah. और इसे यिर्मयाह की किताब में हम देख सकते हैं. Shall we look at it in Jeremiah chapter 32? आइए इसे देखते हैं यिर्मयाह अध्याय 32 में. Verses 17, 26 and 27. वचन 17, वचन 26 और 27 इस तरह से कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है. वचन 26 कहता है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Let us look at what Jeremiah the prophet has to say. अब चलिए देखते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या कहता है. Now around 627 year BC. अब देखिए ईसवी सन पूर्व लगभग 627 साल पूर्व की बात. Babylon was a predominant power. बेबीलोन जो है उस समय राज्य करने वाली सामर्थ होती थी. Judah had played harlot with the Lord. और यहूदा जो है वो परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य नहीं रहा. As a consequence of that, the Lord stepped aside. और उसके कारण परमेश्वर उससे हट गया. And allowed Babylon to come and ravage Judah. और उसने बेबीलोन को आकर यहूदा को पूरी तरह से नाश करने दिया. The people of Judah were devastated. और यहूदा के जो लोग थे वो तो तितर बितर हो चुके थे. The city was besieged. और जो शहर था वो तो विनाश कर दिया गया. And the king and the generals of Babylon took away a lot of people from Judah into Babylon. और बेबीलोन के राजा और जनरल ने क्या किया, यहूदा के बहुत से लोगों को वो अपने साथ में बेबीलोन लेकर चले गए. The people had gone into exile. लोग वहाँ पर बंधवाई में चले गए थे. But there were some people, the remnant, who still stayed back in Judah. लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग बच गए थे जो वहाँ पर यहूदा में रह गए थे. But now in Judah, the land had come to a state of frozenness. लेकिन अभी यहूदा का ये ऐसा प्रांत था जो वहाँ पर पूरी तरह से मानो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पा रहा था. No business happened there. वहाँ पर कोई व्यापार नहीं हो रहा था. All land deals were frozen. और वहाँ पर जमीन जायदाद के बारे में जो भी लेन देन थी वो सब बंद हो चुकी थी. There was no question of buying or selling or owning. वहाँ पर खरीदने बेचने और मालिक होने का कोई सवाल ही नहीं था. And in this scenario, और इस परिस्थिति में the Lord makes Jeremiah buy back a piece of land. परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह को एक जमीन का भाग खरीदने देता है. Paying that actual price. वो उसके असली दाम देता है. In front of the city elders. और वहाँ पर जो शहर के जो प्राचीन थे सबके सामने वो उसका दाम देता है. This is something which had not happened for a long time. ये तो ऐसी बात थी जो कि काफी समय से नहीं हुई थी. But the Lord uses this as a sign. लेकिन परमेश्वर एक चिन्ह के रूप में इसका उपयोग करता है. And Jeremiah cries out in verse 17. और वचन 17 में यहाँ पर यिर्मयाह पुकार उठता है. He says, "Our Lord God."
वो कहता है हमारा प्रभु परमेश्वर Thou hast made the heavens and the earth. हे प्रभु तूने तो आकाश और पृथ्वी को बनाया है. By thy great power. अपनी बड़ी सामर्थ से बनाया है. And by thine outstretched arm. और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से बनाया है. Nothing is too hard for thee. तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है. And the word here used again in Hebrew. और यहाँ पर हिब्रू में फिर से यही शब्द उपयोग किया गया. Is Pawlaw, Pawlaw. और वो है Pawlaw जो कि हिब्रू शब्द है. And it means something which is too difficult. Or too lofty to attain. और ये तो ऐसा है जिसे हासिल करना सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है. It was a great thing for a person to buy a piece of land. और ये तो बहुत ही बड़ी मुश्किल बात थी कि कोई व्यक्ति वहाँ पर एक जमीन को खरीद सके. But nothing is too hard for the Lord. लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. Further down the same chapter we realize. अभी इसी आगे इस अध्याय में हम आगे देखते हैं जानते हैं. God used this purchase of land. कि परमेश्वर इस जमीन के खरीदने का उपयोग करता है as a symbolic prophecy, एक भविष्यवाणी को दिखाने के रूप में just as Jeremiah was able to miraculously buy back his land, और जैसे यिर्मयाह चमत्कारी रूप से अपनी जमीन को वापस खरीदता the है, Lord says he will restore Israel. परमेश्वर कहता है कि वो इसराइल को वापस अपनी जमीन पर लाएगा he will bring her back to her former glory. वो उसे अपनी पहले की महिमा में लेकर आएगा and even though it seemed that the Lord had turned his face away, और हालांकि ऐसे दिखता है कि परमेश्वर ने अपने चेहरे को फेर दिया है From his children, अपने संतानों से अपना चेहरा दूर किया है God continued to reveal his love for them. परमेश्वर निरंतर अपने प्रेम को उन पर प्रकट करते रहेगा Even as I am challenged when I hear the Lord, और जैसे कि मैंने परमेश्वर की ओर से ये बात सुनी मुझे खुद चुनौती मिली. And he said to me, और उसने मुझसे कहा, Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Is there anything that I cannot accomplish for you? क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए पूरा नहीं कर सकता? I am encouraged to trust the Lord. मैं तो प्रोत्साहित हुई हूँ कि मैं प्रभु पर भरोसा करूँ. For the impossible things in my life. मेरे जीवन की असंभव बातों के लिए. Is there any among us who are bound by the spirit of addiction? क्या हमारे मध्य में ऐसा कोई है जो बुरी लतों की आत्मा के कारण बंधा हुआ है? Have you given up? क्या आपने हिम्मत हार ली? Are you saying that I can never get out of this? क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता? Jesus can set us free. यीशु हमें आजाद कर सकता है. He can break that bondage by His word. वो अपने शब्दों अपने वचनों के द्वारा इन सारे बंधन को तोड़ सकता है Don't run away. आप भागी मत Confront your problem and bring it to Jesus. अपनी समस्याओं का सामना करें और उसे यीशु के सामने लेकर आएं. Is there anyone among us who's a victim of abuse? क्या हमारे मध्य में ऐसा कोई है जिसके साथ में बुरा व्यवहार किया गया है? Don't give up hope. आप अपनी आशा मत छोड़िए Jesus can free you completely. यीशु आपको पूरी तरह से आजाद कर सकता Just है. Just surrender your life to Jesus. बस आप अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें. Is there anyone who feels lost and lonely? क्या ऐसा कोई है जो कि अपने आप को खोया और अकेला महसूस करता है? You feel that you have walls all around you which cannot be impregnated. आप ऐसे महसूस करते हैं कि आपके आसपास चारों तरफ से बिल्कुल दीवारें हैं जो आपको कसकर बांध कर रखी हैं और आप उससे बाहर नहीं जा सकते? God is able to reach you in your loneliness. परमेश्वर आपके अकेलेपन में आप तक पहुंच सकता है. We worship a God who is a God of the impossible. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि असंभवता का परमेश्वर है. God will definitely help us. परमेश्वर निश्चय ही हमारी मदद करेगा. He will help us to confront your problem. वो हमारी मदद करेगा कि हम अपनी समस्याओं का सामना करें to recognize his power, कि उसकी सामर्थ को हम पहचान लें and to appropriate it in your life. और अपने जीवन में उसका उपयोग करते जाएं. Surely nothing is impossible by the Lord. निश्चय ही प्रभु के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं Shall we look to him in prayer? आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father God, we want to bring each one of us into your presence today. पिता परमेश्वर आज हम में से हर एक को आपकी उपस्थिति में लेकर आना चाहते हैं. You know that in our lives we face so many हम जानते हैं हम अपने जीवन में बहुत सी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं. We think that this is it. It is an impossible situation. हम सोचते हैं कि बस अब ये हो गया है, अब ये तो असंभव परिस्थिति है. We cannot have victory. हम विजय नहीं पा सकते. But we know that in you it is not impossible. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप में ये असंभव नहीं है. Send your word, dear Father. प्रिय पिता अपने वचन को भेजिए. Break every bondage in the lives of these dear viewers. इन प्रिय दर्शकों के जीवन के हर एक बंधन को आप तोड़ दीजिए. We rebuke every disease. हम हर एक बीमारी को डांटते हैं. We rebuke every kind of conflict. हम हर एक तरह के मतभेद को डांटते हैं. We address every lonely situation. हम हर एक अकेलेपन की परिस्थिति को डांटते हैं.
We come against every financial loss. और हम हर एक आर्थिक नुकसान के विरुद्ध में आते हैं. Every spirit of poverty be gone. गरीबी की हर एक आत्मा चली जाए. We bring them all under the blood of Jesus. हम ये सब को यीशु मसीह के लहू में लेकर आते हैं. Father, we ask that you would break every bondage right now in the name of Jesus. पिता हम मांगते हैं कि इसी समय यीशु मसीह के नाम में आप हर एक बंधन को तोड़ दें. We pray that your liberating power will be at work among the people. हम प्रार्थना करते हैं कि लोगों के मध्य में प्रभु आपकी छुटकारे की सामर्थ काम करती जाए. We pray, Father, that you will be praised and worshipped and glorified in this beautiful land. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि सुंदर देश में आपके नाम की स्तुति हो और आपके नाम की आराधना हो. We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. नमस्ते. हमें इतनी खुशी हुई कि आज हम ये कार्यक्रम आपके साथ मनाएं. शुरुआत में हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहते हैं, उनकी आराधना कहते हैं. हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि अपना पुत्र उन्होंने यीशु क्रिस्त हमें दिया है. आइए हम सब मिलके ये गाना गाते हैं, हो धन्यवाद आभार के साथ, हो धन्यवाद जो पवित्र है. क्योंकि दिया है अपना पुत्र.